अब हमको अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है, अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है। घर से निकले हैं और जब तक ये स्थायी नीति नहीं बनाएगा, नियोजन नीति नहीं बनाएगा, तब तक हम घर से वापस नहीं आएंगे। लास्ट अप्रैल तक अगर ये घोषणा नहीं करता है तो हम 5 मई को पूरा झारखंड बंदी का हम आह्वान किए। 1932 खतियान नहीं लागू करने की मांग को लेकर बोरिया विधायक लोबिन हेम्ब्रम आज खट छोड़कर निकल गए। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने शहीद सिद्धू कानू की जन्मभूमि भोगनाडी से इसकी शुरुआत की। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने शहीद की प्रतिमा की पूजा कर और शहीद स्थल की धरती की मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर 1932 खतियान लागू करने को लेकर निकल पड़े। वे पाकुड़ निकले, उसके बाद पूरे झारखंड का दौरा करेंगे। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 1932 खतियान में लागू नहीं करेगी तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। 5 मई तक सरकार नहीं पूरी की तो चक्का जाम कर देंगे। क्योंकि हम अभी रूलिंग पार्टी में हैं और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और उन्होंने चुनाव के पहले जहाँ जहाँ भी हम उसके साथ गए थे, हर मंच पर उन्होंने घोषणा किया था कि हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो है, मैं इस पर अमल करूँगा और इसको अमलीजामा पहुँचाऊँगा। और सबसे पहले यहाँ के लोगों का जो डिमांड है और कि यहाँ का 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और खतियानी आधार पर नियोजन नीति, लेकिन आज तक इन्होंने इस पर कोई पहल नहीं किया। ठीक है, मान लिया लेट सबेट होता है, लेकिन विधानसभा में उन्होंने जो घोषणा किया, अपने से विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया कि स्थानीय नीति के आधार पर यहाँ पे खतियानी नीति के आधार पर स्थानीय नीति नहीं होगा, ये कोर्ट में खारिज हो जाएगा। उसी दिन हमने कहा कि अब इससे काम होने वाला नहीं है और हमने उसी दिन ठान लिया कि इन्होंने वादा खिलाफी किया है, क्योंकि हर स्टेज पर वो अपने से बोलते थे, हम लोग ही बोलते थे और वो कहते थे कि सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ का SPT एक्ट, यहाँ का CNT एक्ट, यहाँ के 5 लाख रोजगारों को हम बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो आज तक इस पर इन्होंने अमल नहीं किया है और ख़ास करके जो विधानसभा में उन्होंने जो घोषणा किया उसी दिन हम सोचे कि अब इससे होने वाला नहीं है और उसी दिन हमने वहाँ पर मीडिया वालों के साथ अपना बयान दिया था कि नहीं, अब हमको इसके लिए हमको पूरा झारखंड प्रदेश में निकलना पड़ेगा। अब हमको अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है, अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है और इसलिए हमने समय निर्धारित किया था कि हमारा रांची से हमने कहा था कि हम 3 तारीख को हमारा बोरियो विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जमा करके इस बात को मैं बताऊँगा। SPT एक्ट क्या है, CNT क्या है, राजस्थानी नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था उसका जो चुनावी एजेंडा था उस पर उन्होंने पहल नहीं किया। इसको 3 तारीख को हमने वहाँ बहुत बड़ी जनसभा में हमने किया और वहाँ के लोगों ने हमको विदाई दिया और आज हम घर से निकले हैं, क्योंकि हम बोले थे कि हम 5 तारीख को घर से निकलेंगे और जब तक ये सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति और SPT और CNT को नहीं बचाएगा, सख्ती से लागू नहीं करेगा, इसी के लिए हम घर से निकले हैं। और जब तक ये स्थानीय नीति नहीं बनाएगा, नियोजन नीति नहीं बनाएगा, तब तक हम घर से वापस नहीं आएंगे। और हमने ये भी कहा कि लास्ट अप्रैल तक अगर ये घोषणा नहीं करता है तो हम 5 मई को पूरा झारखंड बंदी का हम आह्वान किए और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आए हैं और यहाँ से फिर हम रांची से निकलेंगे और बहुत जगह कार्यक्रम है। 15 तारीख को घाटशिला में है, टाटी सिलवे में है और बहुत जगह कार्यक्रम है। और मैं ये भी घोषणा किया हूँ, जब तक ये सरकार 1932 के आधार पर खतियानी स्थानीय नीति नहीं बनाती है और खतियानी आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाती है, तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ। और आज पाकुड़ में प्रोग्राम है, इसके बाद हम छोटानागपुर जा रहे हैं, फिर वहाँ से कोल्हान भी जाएंगे, कार्यक्रम तय है और दौरा करते रहेंगे हम, चाहे गांव में हो, चाहे पंचायत स्तर में हो, चाहे प्रखंड स्तर में हो, चाहे जिला स्तर में हो, पूरे झारखंड प्रदेश का मैं दौरा करूंगा। और जब तक ये सरकार स्थानीय नीति नहीं बनाती है, खतियानी आधारित नियोजन नीति नहीं बनाती है, SPT एक्ट, CNT एक्ट को सख्ती से लागू नहीं करती है और पैसा एक्ट को का अभी तक उसका कोई नियमावली नहीं बना है जिसके चलते वो अभी प्रभावी नहीं है,
उसका भी हमने मांग किया है कि पेशा एक्ट को भी लागू किया जाए और यहाँ जितने बेरोजगार हैं यहाँ के युवकों को कैसे नौकरी मिले। चूँकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा चुनावी एजेंडा में था, चुनावी मैनिफेस्टो में था। और मेरा आग्रह होगा सरकार से, आपका चुनावी मैनिफेस्टो में क्या था आप उस पर पहल करिए और यथाशीघ्र सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति 1932 के आधार पर स्थानीय नीति आप तय करिए, घोषणा करिए और इसके साथ साथ खतियानी आधारित नियोजन नीति भी घोषणा करिए। और ये घोषणा नहीं होगा तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ, घोषणा नहीं होगा तब तक हम नहीं आए। सरकार अगर इसे दो साल तक लागू नहीं, दो साल तक अल्टीमेटम हमने दिया है कि लास्ट अप्रैल तक में अगर घोषणा नहीं होता है तो 5 मई को मैं आह्वान किया हूँ, 5 मई को पूरा फर्स्ट फेज में 5 मई को पूरा झारखंड बंद रहेगा। इसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे, हमारे समर्थकों से हम बात करेंगे, वो सारे लोग मिल करके, हम सारे लोग मिल करके क्या निर्णय लेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। ये कार्यक्रम मेरा जारी रहेगा, अप्रैल तक जो कि दौरा रहेगा अप्रैल के। दादा आप तो आप पार्टी में, और मैं अपने स्तर से थोड़े कर रहा हूँ, सरकार का जो एजेंडा था, सरकार का जो चुनावी मैनिफेस्टो था जी, उस पर हमारा ज्यादा ध्यान केंद्रित। तो आप पार्टी में बने रहेंगे? पार्टी में बने रहेंगे, क्यों नहीं बने रहेंगे। बन के विरोध के लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।